वाराणसी जिले के सिवापुरी नीति आयोग द्वारा चयनित मॉडल ब्लॉक सिवापुरी के दौलतिया गांव में शनिवार को दोपहर उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह ने पहुंचकर उन्होंने प्रगतिशील किसान उदय भान सिंह सहित दर्जनों किसान द्वारा की जा रही गौ आधारित जीरो बजट खेती व जैव विधि से की जा रही खेती गाजर मूली मटर चना टमाटर गेहूं सरसों लहसुन आलू के फसलों का अवलोकन किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने सुना था कि बनारस में कृषि के क्षेत्र में गौ आधारित जीरो बजट खेती प्राकृतिक खेती व जैविक खेती की जा रही है, जिसे देखने आया हूँ। वास्तव में धनिया में जो सुगंध लहसुन के पत्तों में जो सुगंध मिल रही है वह रासायनिक खेती से बिल्कुल खत्म हो गई थी और उपज अच्छी हो रही है। इसको विभागीय स्तर पर पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पहले की तरह शुद्ध पैदावार मिल सके। इस खेती के लिए किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। रही बात किसानों के उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए ब्रांडिंग करने की जरूरत है। किसान उदय भान सिंह के घर पर लगे स्टॉल का भी उन्होंने निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। दलतिया गांव में लगभग 63 किसान जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक उदय प्रताप सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर डीजीएम महेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी अश्वनी सिंह, कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय समेत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं किसान उदय भान सिंह, सुमन पटेल, वीरेंद्र सिंह, सत्यनारायण पटेल समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे। सर अपना परिचय तो बताएं सर, कहाँ पे किस तरह का दौरा है सर? मैं कृषि निदेशक हूँ विवेक कुमार सिंह। प्राकृतिक खेती और ये जैविक खेती, इसके संबंध में मैंने यहाँ दौरा किया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसा कि बनारस में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसको मैं भी देखूँ एक बार, जिससे कि इसका विस्तार मेरे स्तर से भी कराया जा सके। सर यहाँ पर क्या देखिए सर, क्या देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है इस गांव में, और यहाँ पे जो एक खुशबू पहले नहीं मिलती थी वो हमको खुशबू मिलने लगी है। क्योंकि अभी मैंने धनिया तोड़ के देखा, लहसुन तोड़ के देखा, और टमाटर की पत्तियों में जो महक पहले नहीं आती जो केमिकल डालने से होता है, वो अब सब इसमें यहाँ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा वो है, उत्पादन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो यहाँ किसान भाई हैं, ये जगह जगह जाकर अपने इसके बारे में प्रचार प्रसार करें, जिससे और भी किसान अडॉप्ट कर सकें इसको। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि आसपास के लोगों ने देखकर इनका अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जब ये बहुत बड़े पैमाने पर होने लगेगा तो निश्चित रूप से मार्केटिंग के लिए लोग आने लगेंगे। सर मार्केटिंग कैसे, क्या होगा सर, प्रोडक्शन होगा तो मार्केटिंग क्या सर? नहीं अभी तो ये देखिए कि अभी ये खुद मार्केट में जा रहे हैं। जब बड़े पैमाने पे होगा, लोगों को यहाँ मालूम होगा कि यहाँ हमको ओरिजिनल मिल जाएगा, तो खुद मार्केट वाले यहाँ आके इनसे खरीदेंगे और इनको अच्छा भाव मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। बस इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं एक अपना लोगो जो है वो तैयार कर लें, जिससे कि इनकी एक आइडेंटिटी बन जाए कि हाँ इस गाँव में फला चीज़ की मार्केटिंग हो रही है और फला संस्था कर रही है, वो हो जाए। सर सरकार की तरफ से क्या लोगों को सर है व्यवस्था, जैसे मार्केटिंग का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो सिर्फ लिए सरकार की क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग देखिए, उत्पादन ज़्यादा होगा, अगर आपका सामान अच्छा है तो मार्केट अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उदय भान सिंह है। उदय भान जी कौन सा गाँव है? ये मेरा सेवापुरी ब्लॉक का दौलतिया गाँव है। अच्छा उदय भान जी यहाँ पे आए हैं प्रदेश के अधिकारी, कौन अधिकारी यहाँ पे आए हैं? यहाँ संयुक्त निदेशक साहब आए थे यूपी के। और क्या ये किस लिए आए थे आगे? वो सर हम लोग जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं इस समय। हमारे गांव के लगभग 63 किसान मिल करके तीन समूहों में ये जैविक खेती अपना शुरू किए हैं। उसी की निगरानी में आए थे कि हमारे यहाँ जैविक खेती किस विधि से हो रही है, कैसे हो रही है जी। तो यही देखने के लिए आए थे। सर क्या निरीक्षण किए खेत को, देखिए क्या क्या निरीक्षण किया, क्या क्या देखिए? ऐसा है कि जब वो हमारे खेत में गए तो काफ़ी खुश हुए। हम लोग जो है अपनी खेती को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और जो हम लोगों को ले जा करके उत्तराखंड में ट्रेनिंग दिलाई गई थी उसके माध्यम से हम लोग अब सहफसली खेती ले रहे हैं। प्राकृतिक में सहफसली खेती का बड़ा योग होता है, और वो देख करके काफ़ी खुश हुए। और उसके क्या क्या फसल, क्या क्या किस फसल खेती की? अब जैसे सहफसली में हमने टमाटर ले रखा है एक ही साथ, उसमें चना भी है, लहसुन भी है, उसमें मेड़ पर जो है हल्दी लगा रखे हैं, और धनिया की भी फसल, मतलब ये सारी फसल एक ही खेत में एक साथ ले रहे हैं जी।
तब क्या अभी आपके साथ जुड़े हैं कितने किसान जुड़े हैं हमारे साथ जैविक खेती के? हमारे गांव के 63 किसान जुड़े हुए हैं। लगभग 60 हेक्टेयर में हम लोग इस खेती को शुरू किए हैं इस साल। अभी तक कोई प्रोडक्शन हुआ कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, पिछली साल कुछ फसल हमारी रबी में आई थी जिसको हमने लोकल मंडी में बेचा और गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से कुछ ऊँचे दाम पर बिकी हमारी सब्जी। आय दुगना हो रही है? जी सर, आय बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का जो सपना है आप लोग किसान लोग कर रहे हैं? हाँ, इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो दुगना का सपना है वो हो जाएगा, क्योंकि हमारी इनपुट घट रही है, आउटपुट बढ़ रही है। तो जो हमारा पैसा इसमें लगता था फर्टिलाइजर और केमिकल में वो बच रहा है। पूरी की पूरी हमारी खेती जीरो बजट पे हो रही है। हम लोग अपना गाय पाल रखे हैं, उसी के माध्यम से उसमें जीवामृत घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपने यहाँ जो पौधे हैं जैसे नीम का पत्ता हुआ, इसके बाद अदरक हल्दी मिर्चा हुआ, इनसे जो है बना करके दवा स्प्रे करते हैं जिससे कीड़े हमारे खेत को नहीं लगते और खेत की फसल हमारी बहुत अच्छी हो रही है। फसल भी बढ़ी है और उधर ऊँचे दाम मिल रहे हैं, लागत घट गई है। जी, इस तरफ से चारों तरफ से लाभ ही लाभ है। चलिए, धन्यवाद।